मीम साहब, मीम साहब, मीम साहब कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत तेज भूख लगी है मीम साहब। नहीं है। अरे प्लीज मीम साहब दे दो ना कुछ खाने को। बोल दिया ना नहीं है कुछ खाने को, जाओ यहाँ से। साहब मीम साहब को बोलिए ना कुछ खाने के लिए देंगी, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। मीम साहब कुछ खाने के लिए तो बहुत भूख लगी है। बोल दिया तुझे कुछ नहीं है यहाँ पे, जा यहाँ से। रीत तुम किसी से फोन पे बात कर रहे हो क्या? नहीं तो ये देख लो फोन। और वैसे भी कर भी रही होंगी तो फ्रेंड से ही बात कर रही होंगी ना, एक दो तो फ्रेंड है मेरे जिनको तुम जानते ही हो। अच्छा चलो ठीक है, बाकी मैं ये कह रहा था यहाँ पास में ना मेरे दोस्त की कंपनी है, मेरे को उसके पास जाना है, कुछ ऑनलाइन मेरे को उससे कुछ काम है, तो हो सकता है मेरे को 2-3 घंटे लग जाएंगे तो आने में, तुम यहाँ पे मेरा वेट कर लोगे? कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से जाओ। चलो ठीक है, वैसे तुम्हें पता है उसके वहाँ पे ना स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए मैं वहाँ पे तुम्हें लेके नहीं जा रहा। और हाँ अगर तुम्हें कुछ खाना पीना हो ना तुम यहाँ पे मंगा लेना, बाकी मैं जाऊँ तुम पक्का रुक लोगे ना यहाँ पे गाड़ी में? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से जाओ, मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगी। ठीक है चलो फिर मैं 2-3 घंटे में आता हूँ, बाय, ध्यान रखना। अच्छा हुआ चला गया, जब मुर्गा खुद ही जाने को तैयार है तो मैं क्यों उसे रोकूं? वैसे भी बहुत दिन हो गए मैं अभिषेक से मिली ही नहीं, और 2-3 घंटे तो इसको लगेंगे। मैं काम करती हूँ अभिषेक को कॉल करके बुला लेती हूँ, ये कौन सा अभी आने वाला है। हेलो, हाँ तुम जल्दी से जैपनीज पार्क आ जाओ, यहाँ पे मेरे पति की वाइट कलर की कार खड़ी है। अरे नहीं नहीं वो यहाँ पे नहीं है, वो तो 2-3 घंटे में आएगा। ठीक है। अरे वाह बेबी, इस ड्रेस में तो तुम कितनी अच्छी लग रही हो। अब ना देर नहीं करते, पास में ना मेरा घर है और वहाँ पे कोई भी नहीं है, चलो चलते हैं। क्या घर पे कोई भी नहीं है? हाँ मैं अभी आती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारा घर तो यही पास में है और हम हमेशा यही आया करते थे। चलो जल्दी चलते हैं। रुको, कहाँ जा रही हो तुम इसके साथ में, और कौन है ये लड़का? ये मेरा दोस्त है, वो पास से ही गुजर रहा था इसने मुझे गाड़ी के बाहर बुला लिया और बोला कि कुछ खाने चलते हैं, यहाँ पे कैफे है ना, और वैसे भी तुम तो 2-3 घंटे में आने वाले थे और मुझे भी बहुत भूख लगी थी इसीलिए। अरे अकेले अकेले जा रहे हो, कम से कम मुझे तो बता देते, अभी मैं आता तुम मेरे को यहाँ पर नहीं मिलते, फिर मैं तुम्हें सारे में ढूंढता परेशान होता। तो कॉल कर लेते ना, इसमें क्या बड़ी बात है। चलो अभिषेक तू जा यहाँ से, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम ना एक काम करो इसी के साथ रहना, क्योंकि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है उसके बारे में मुझे पता चल गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या पता चल गया तुम्हें हमारे बारे में? क्या पता चल गया है, ये तेरा बॉयफ्रेंड है ना? क्या ये क्या कह रहे हो तुम, ये तो मेरा दोस्त है, माय क्लोज फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, बोलो ना। हाँ जीजा जी ये सही कह रही है, हम ना फ्रेंड है और हम ना बचपन में लड़ा करते थे, साथ में पढ़ा करते थे, ये ना मेरी दोस्त है। तू ऐसे सच नहीं बोलेगा, एक काम करता हूँ पुलिस को बुलाता हूँ फिर तो सच बोलेगा ना, कुछ तो शर्म कर लो, इतना झूठ बोले जा रहे हो, मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपनी शादीशुदा जिंदगी के बाद भी एक बॉयफ्रेंड बना रही हो और पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो? अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने और मेरे घर वालों ने प्यार में, उसके बावजूद तुमने हमें धोखा दिया। क्या पता है तुम्हें, तुम ना मुझे मेरे दोस्त के सामने बेइज्जत कर रहे हो, और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरा इसके साथ चक्कर चल रहा है? अच्छा तुम्हें प्रूफ चाहिए, देता हूँ प्रूफ। अभी थोड़ी देर पहले जो भिखारी आया था भीख मांगने के लिए, जिसको तुमने भगा दिया था, उसके पास में मिरर था और उसने मिरर के अंदर सब कुछ दिखा दिया था, कैसे तुम इसके साथ में चैट कर रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे और वीडियो कॉल पे तुम्हें किस दे रहा था। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, वो मैं बहक गई थी। क्या है ना इन सबके बीच में ना तुम्हारी ही गलती है, जब भी तुम्हारे घर पे लड़ाई होती थी तुम हमेशा अपनी मम्मी का साइड लेते थे, और मैं इन सब में परेशान हो गई थी और मैंने सोचा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इसी बीच में मुझे अभिषेक मिला, 4-5 महीने पहले हम एक मंदिर में मिले और अक्सर वही मिला करते थे। अच्छा ये सब 3-4 महीने से चल रहा था, 3-4 महीने से तुम मेरा बेवकूफ बना रहे हो। अरे कम से कम मेरे बारे में तो सोच लेते, मैं तुमसे कितना प्यार करता था, मुझे धोखा देते हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ना तुम्हें। और रही बात मेरे घर वालों की, घर वाले तो जो तुम्हें सुनाते थे ना वो तुम्हारी गलतियों में तुम्हें सुनाते थे। एक चीज बताओ, किस घर की बहू ऐसे बिना बताए घर से बाहर आती है? तुम्हें कम से कम उनको बता के तो आना चाहिए था कि मैं कहां जा रही हूं कहां नहीं,
पर तुम 5-5, 6-6 घंटे ऐसे गायब हो जाते थे। अब मुझे समझ में आ गया 5-5, 6-6 घंटे तुम कहाँ गायब होते थे। तुम इसके साथ रंग ललिया बनाती थी इसलिए तुम गायब होती थी, और मेरे घर वाले में से इसी बात के लिए बोलते थे, और इसलिए मैं तुम्हें डांटता था, इसलिए मैं अपने घर वालों का साथ देता था। अब ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अपने घर वालों के साथ रहना है, उनकी बात माननी है। हाँ हाँ रहो तुम अपने परिवार के साथ, वैसे भी तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है, मुझे तो हमेशा से अभिषेक के साथ ही रहना था। और वैसे भी तुम ना हमारे बीच के रास्ते काटा हो, और तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अभिषेक चलो। कहाँ चलो, तुम पागल हो गए क्या? मेरा तो काम ही है तुम जैसी लड़कियों को फंसाना, और मान लो मैं तुमसे प्यार करने लगता, क्या पता तुम भी आज मेरे लिए अपने पति को छोड़ रहे हो, कल को किसी और के लिए मुझे छोड़ दो। तुमसे प्यार करने से बेहतर है ना कोई इंसान डूब के मर जाए। तुम पागल हो गए क्या, क्या बकवास करे जा रहे हो, अभी तक थोड़ी देर पहले तुम मेरे से मिलने के लिए मर रहे थे। हाँ मर रहा था, क्योंकि मेरी आंखें ना उस समय बंद थी और अब ना खुल चुकी है। तुम मेरे लिए अपने पति को छोड़ रही हो, कल को छोड़ो, मैं ना तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, मेरा पीछा छोड़ो मैं चलता हूँ। अरे बाप रे, तुम इस लड़के के चक्कर में मुझे धोखा दे रहे थे, ये तो तुम्हारे साथ में बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी चॉइस थी तुम्हारी। वो कहते हैं ना अगर आप किसी को धोखा दोगे तो आपको भी धोखा मिलेगा। मेरी बात सुनो, हम बैठ के बात करते हैं ना, शॉर्ट आउट हो जाएगा। अरे क्या शॉर्ट आउट हो जाएगा, तुमने ना मुझे और मेरे परिवार वालों को धोखा दिया है। अब एक काम करूंगा, मैं तुम्हारे घर वालों को बुलाऊंगा और उनके आगे सारी बातें बताऊंगा, फिर देखता हूँ मैं क्या शॉर्ट आउट होगा। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। अरे नितिन मेरी बात सुनो,